हेलो गाइस, वेलकम टू नमलक आईटी सॉल्यूशन ओडिशा भुवनेश्वर। मैं बसीर और ओडिशा भुवनेश्वर से नमलक आईटी सॉल्यूशन के तरफ से आज एक ये सिक्स्थ जनरेशन की बोर्ड है, एचपी की सिक्स्थ जनरेशन की बोर्ड है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, नॉट पावर ऑन। और इस वीडियो में एक्चुअली ये डेमो वीडियो है, फुल वीडियो में जो आएगी आपकी मतलब कि इसकी फुल कंसेप्ट आएगी। सिक्स्थ एंड सेवेंथ जनरेशन की एक्चुअली प्रैक्टिकल पावर सीक्वेंस है ये, एंड कौन सा ऐसी कंसेप्ट है जो हमारी सिक्स्थ एंड सेवेंथ जनरेशन के लिए हमारी फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन से थोड़ा अलग है, ठीक है। सो ये बी प्रैक्टिकल सिचुएशंस है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये सिक्स्थ जनरेशन की बोर्ड है, डिफिकल्ट टास्क होती है इस तरीके का बोर्ड को काम करना, बट करना होता है। सो एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि इस सिक्स्थ एंड सेवेंथ जनरेशन की सीक्रेट्स क्या होती है, स्काई लेक एंड कॉफी लेक की क्या सीक्रेट्स होती है, कैसे हम इसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, कैसे सीपीयू को हम पॉसिबिलिटीज चांसेस होती है बचाने के लिए, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो सीपीयू को, आप ये देख रहे हो कि ये इधर सिक्स सेवन जनरेशन और सेवन जनरेशन की होगी सीपीयू। इसकी कलर्स आप देखकर समझ सकते हो। सो और गुडलॉक की इस बोर्ड की स्कीमेटिक्स एंड बोर्ड व्यू बोथ मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। बोर्ड है क्वांटा X63C। चलिए लेट नहीं करते हुए मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए मेरे को मोर देन थ्री आवर्स लग गया, बट इस दौरान में मेरे को ऐसी कुछ चीज मिली जो सिक्स एंड सेवन जनरेशन की सीक्रेट्स है, स्काई लेक एंड काफी लेक की। एक्चुअली इसको मैंने अभी आपको डेमो पर जो है ना नहीं दिखाता हूं, सो फुल वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए मैं जैसे ये पावर दे रखा हूं तो लिड ग्लो कर गई और कुछ देर के बाद लिड वापस चली गई, ठीक है। सो यहाँ डीसी पे देखिए कंजप्शन जो है 0.006 है। कुछ देर वेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई चेंजेस हो सकती है या नहीं हो सकती है। हाँ, जैसे आप देखो चेंजेस हो गई 0.001, यानी कि यह हमारा डीप स्लीप वेल स्टेज को आ गया, यानी कि हमारी जो विन है एंड स्टैंड बाई जो है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम सही है। तो यहां पर दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये मैंने पावर दिया, डीसी जैक लाइट ग्लो किया, दोबारा देखिए जब मैं पावर देता हूं तो इट्स अराउंड 19 मिली एम्स लेता है, 14.6, देन डीएसडब्ल्यू को 01 पे चली जाती है। और जब मैं पावर प्रेस करता हूं, देखिए जब मैं पावर प्रेस करता हूं तो सिर्फ 8 या 9 तक आकर रुक जाती है। तो कुछ मैं आपको पहले इसको चेक करने से पहले आपको सिक्स एंड सेवन जनरेशन की कुछ सिस्टम्स जो होती है वो थोड़ी अलग होती है आपकी नॉर्मल से, यानी कि फोर्थ फिफ्थ तक की नॉर्मल से ये थोड़ी अलग होती है। जैसे आप देख सकते हो स्काईलेक है 2015 की 400 सीरीज की, क्वांटा का प्रोजेक्ट जो है 400 सीरीज की ये मदरबोर्ड है, और लकीली इसकी स्कीमेटिक्स विथ बोर्ड भी दोनों मेरे पास अवेलेबल है। सो ये स्काईलेक की बोर्ड है, इसकी मैं एक स्ट्रक्चर्स यहां पर एक्चुअली मैं पूरी डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, मैं एक्चुअली इसकी पूरी डिटेल्स जो है ना आपके पास लेकर आऊंगा फुल वीडियो में। ये पूरी फुल वीडियो रहेगी जो एक लर्नेबल होगी, मतलब आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं।
सो किसी को अगर मतलब इंटरेस्ट हो इस तरीके के वीडियो में तो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा मेरे साथ। मैं एक चीज आपको इसकी रिगार्डिंग्स आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यहां पर देखिए, नहीं वहां नहीं, वहां नहीं, इस पावर प्लांट पे देखिए। पहले एक नजर डालते हैं पावर प्लांट के तरफ कि हमारा इस बोर्ड का पावर प्लान क्या कहता है। देखिए यहाँ पे पावर प्लान ये बता रहा है कि आपकी एक VR3B LDO जनरेट होगी, जिस LDO की हेल्प से आपकी 3 और 5 की एनाबल्स बनेगी, एंड इस 3 और 5 की एनाबल्स एक रिसेट के जैसा यानी कि मैक के सिस्टम्स के जैसा है। बनने के बाद आपको इन 5 वोल्ट की एनाबल्स, 3 वोल्ट की एनाबल्स, 1.8 वोल्ट की एनाबल्स मिलेगी। यानी कि आपकी जो ये पावर प्लान है, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्कीमेटिक्स, दीज पावर प्लांट्स विल बी जनरेट बिफोर पावर बटन। यानी कि ये आपका S5 स्टेज की कंडीशंस है। S5 स्टेज आप बिफोर पावर बटन्स, ये पावर बटन से पहले आपको एक लोड ड्रॉपआउट का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें 3VS5 की लोड ड्रॉपआउट बनेगी, एंड उस लोड ड्रॉपआउट से एक रिसेट की तरह यानी कि एक एनाबल्स की रिसेट मतलब सर्किट लगी है, एंड इस सर्किट की हेल्प से आपको 3 और 5, 5 एंड 3 एंड 1.8 की एनाबल्स मिलेगी। और जो ये इंडिकेट करता है कि आपकी 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट एंड 1.8 वोल्ट ये आपकी स्विचिंग से पहले आउटपुट मिलेगी, स्विचिंग से पहले आउटपुट मिलेगी, स्विच बिफोर पावर बटन। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं। जैसे आप यहां देखते हैं एक्सटर्नल पावर गेट, एक सोर्स होगी जिसकी PCH AM10 की एक सिग्नल्स के हेल्प से एनाबल्स ऑफ EN10A मतलब 1.0 वोल्ट बनेगी, 1.0 वोल्ट की एनाबल्स यहां पर बनेगी। ठीक है, फिर दूसरी एक स्ट्रक्चर होती है KBC पावर ऑन, ये IO से आने वाली पिन की डिटेल्स है जो अवेलेबल होगी पिन नंबर 127 से, और ये मदद करेगी, ये सिग्नल्स आपकी मदद करेगी KBC की पावर ऑन 3 स्टेज को एंड ENPBC प्रिलिमिनरी वोल्टेज को आउट करने के लिए। ये दोनों वोल्टेज को आउट करने के लिए KBC पावर ऑन की रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल ये है कि क्या मेरा ये सिर्फ बिफोर पावर बटन में ये 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट के साथ प्राइम वोल्ट एंड KBC पावर ऑन 3 एंड एनाबल 1.0 यानी कि 1.0 वोल्ट ये मेरा बिफोर पावर बटन मिलेगा या आफ्टर पावर बटन में मिलेगा? पहला सवाल ये है। इसकी अगर जानकारी चाहिए आपको स्कीमाटिक्स में बहुत कम डिजाइनिंग मिलती है, जो आपकी पावर सीक्वेंस होती है इसको हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे क्या कितना दूर तक सही है। यहां तक मैंने आपको बता दिया कि ये बिफोर पावर बटन निकलेंगे, और जैसे मैंने बताया कि ये बिफोर पावर बटन है ये सर्किट, एंड आपसे सवाल है कि ये सर्किट बिफोर पावर बटन होगी या आफ्टर पावर बटन होगी। इसकी जानकारी के लिए अब मैं थोड़ा सा डेमो दिखाता हूं। ठीक है, सो अब इससे पहले कि मैं डेमो दिखाऊं इस बोर्ड की, मैं कुछ पॉइंट्स जो है ना चेक करना चाहता हूं। जैसे देखिए ये बोर्ड को मैंने पावर दे दिया, अब डीप स्लीप वेल स्टेज में है। जैसे ही डीप स्लीप वेल स्टेज में है साइमल्टेनियसली वहीं पर देखिए आपको ये बोर्ड का ये 3 वोल्ट की कॉइल है। देखिए जैसे ही मैं 3 वोल्ट के लाइन पे टच करता हूं तो मेरी 3 वोल्ट मुझे नजर आती है। यह मेरा 5 वोल्ट का कॉइल है, जैसे 5 वोल्ट पे चेक करता हूं तो 5 वोल्ट भी मेरी जनरेट होती है। अब सवाल यह है कि 3 वोल्ट रेडी है, 5 वोल्ट भी रेडी है। अब मैं एक आपको चीज, इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जहां पर आप लोगों की एक्चुअल एग्जाम टेस्ट होगी, जो स्कीमाटिक की ट्रेसिंग की दुनिया में
बहुत सारे माहिर मतलब हासिल किए हुए हैं। अब ये वीडियोस देखने के बाद मैं इतना तो उनसे बोलूंगा कि जरूर कोशिश कीजिए कि ये जो चीज मैं दिखा रहा हूं क्या ये करेक्ट है या ये रॉन्ग हो सकती है। यहां पे देखिए, मैं आपको ले चलता हूं सीधा स्कीमाटिक्स एंड बोर्ड व्यू दोनों के तरफ, स्कीमाटिक्स एंड बोर्ड व्यू। चलिए सबसे पहले बोर्ड व्यू की ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने ये बोर्ड व्यू ओपन किया है, सो इसको थोड़ा से हल्का सा घुमा लेता हूं ताकि बोर्ड जो है ना मेरे हिसाब से आए, और मैं इसको फ्लिप कर लेता हूं। हाँ, अब जो है ये मेरे हिसाब में आना चाहिए। अब मिरर किया रेडी, अब लाइन पे आ गया, ये मेरे हिसाब से है डन। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, वो चीज ये है कि Q8 यानी कि ऑन अंडरस्कोर ऑफ, ऑन अंडरस्कोर ऑफ, ऑन अंडरस्कोर ऑफ। सिंपल सा सर्किट है। अब इस सर्किट को मैं आप लोगों से दिखा रहा हूं इसलिए कि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझिए। देखिए, इसकी जो Q8 है ये आपकी ड्रेन हो गई, ये आपकी सोर्स हो गई, ये आपकी गेट हो गई। यानी कि अगर हमें स्विचिंग करना है, अगर हमें स्विचिंग कराना है, तो हम यहां पर देखेंगे कि सिंपली ये ऑन ऑफ के हेल्प से, यहां एक ऑन ऑफ, ऑन अंडरस्कोर ऑफ हैज 1Q बनता है और वहीं एक ऑन ऑफ बनता है यानी कि Q8। यानी कि अगर हम इस पे देखेंगे, किस पे, अगर बोर्ड व्यू पे देखेंगे, उसकी जो जगह है, उसकी जो मार्किंग है वो यूं है, इस तरीके का यहां पे है ये वाला सीन। अब यहां मैं आपको चेक करके दिखाता हूं पावर स्विच के पास में कितना वोल्टेज है। देखिए, पावर बटन के पास में जो है 2.2 वोल्ट आ रहा है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि पावर बटन के पास 2.2 वोल्ट इज द करेक्ट वोल्टेज या यहां पर 3.3 वोल्ट होना चाहिए। जैसे कि यहां पे इस ट्रांजिस्टर के साथ लगी हुई है या मॉस्फेट, ये जेफेट है, यहां पे लगी हुई है, इसकी ड्रेन के पास में 3.3, सोर्स के पास में 2.2 है। अब इसकी गेट के पास में भी हाई है। गेट जो है इसकी LED स्विच है, एंड इसकी जैसे मैंने बताया यहां पर इसकी पिन नंबर 1 पे जो है ये लगी हुई है, और यहां से आप देखिए इसकी पिन नंबर 1 जो है ये आपकी सोर्स है, सोर्स के पास में यानी कि सोर्स के पास में 2.2 वोल्ट है, एंड ड्रेन के पास में ऑलमोस्ट 3 वोल्ट है, ड्रेन के पास में ऑलमोस्ट 3 वोल्ट है, ड्रेन के पास में देखिए ऑलमोस्ट 3 वोल्ट है, एंड गेट के पास जो है वो भी 3 वोल्ट है। गेट के पास में जो है LED स्विच वो भी 3 वोल्ट है। यानी कि यहां पर देखिए आपकी LED स्विच के हेल्प से, LED स्विच के हेल्प से, LED की जो 3 वोल्ट है उसकी हेल्प से इसकी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बनी हुई है। ठीक है, इसकी ड्रेन टू सोर्स की वोल्टेज बनी हुई है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर एक छोटा सा रीसेट की सर्किट लगी हुई है जो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की एनाबल करती है। सेम वहीं पर 3LW भी उसके साथ जुड़ी हुई है उसकी VCC पे। ठीक है, अब सवाल यह है कि इस ऑन ऑफ के पास में सप्लाई आता कहां से है। सप्लाई आता कहां से है अगर हम इसको ट्रेसिंग करेंगे तो हमें यहां पर कुछ नजर अभी तक तो आया नहीं है। हाँ, यहां से आता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं 3PCU, मतलब यहां से जो है आपकी, यहां से सप्लाई इस तरीके का पावर बटन यहां पर जाता है, एंड सेम उसी टाइम में दूसरी जगह यहां से इस तरीके का पावर बटन जो जा रहा है ये आपकी जा रहा है आपकी बन के आयो के तरफ। अब हम चेक करेंगे कि ये पावर बटन हमारा काम करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो
तो फिर पावर बटन आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दो चीज हम देखेंगे। तो इसकी देखने के लिए हमें मतलब बोर्ड व्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने ये बोर्ड व्यू को हेल्प लिया, पावर बटन के नाम से लेते हैं PWR बटन, PWR अंडरस्कोर BTN पावर बटन आउट। तो यहां पे हमें मिलती है पावर बटन आउट पिन नंबर 4 के पास में। अब हम देखेंगे स्विचिंग करके कि पिन नंबर 4 के पास में यह स्विच होता है या नहीं। 1 2 3 4 देखिए कि पिन नंबर 4 के पास में 3.3 वोल्ट है। देखिए पिन नंबर 4 के पास में 3.3 वोल्ट है। अब मैं स्विच देता हूं, देखिए अब मैं स्विचिंग किया, बस बारीक सी हल्की सी स्विचिंग होती है, फिर कभी कभी स्विच होती है, ठीक है। सो अब देखिए, दोबारा दिखा रहा हूं आपको, पिन नंबर 4 नहीं, मेरे हाथ से लग रहा है यहां पर जॉइंट हो जाता है, जॉइंट हो रहा है। सो इसको बारीक से लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब स्विचिंग करता हूं तो हल्का सा स्विच ले रहा है, हल्का सा, और स्विचिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो मेरा स्विचिंग नहीं हो रहा है, पावर बटन आउट जो है ना वो नहीं हो रहा है, और मेरी पावर बटन के पास में जो वोल्टेज है वो 2.2 वोल्ट है। अब मेरा सवाल ये है कि ये 2.2 वोल्ट सही है या गलत है। अगर सही है तो मेरी पावर बटन आउट क्यों नहीं बन रही है, और इस नोवोटन आईसी की पावर बटन आउट बनने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। चलिए मैं आपको एक और दो रिक्वायरमेंट दिखाता हूं, इस बोर्ड की एक और मैजिक दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बनी रहे। चलिए मैं इसकी चार्जिंग आईसी की तरफ आपको लेकर चलता हूं। जैसे कि चार्जिंग आईसी यहां पर है, अब इस चार्जिंग आईसी का नाम क्या यूज किया है इसने, BQ24780 PQ24780। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी NBS टू DNBS बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि इसकी स्विच ऑन की पावर बनने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है हमारी गेट जो है वो 28 वोल्ट बनती है या नहीं बनती है, पहली बात ये है। तो उसके लिए हमें पहली मॉस्फेट की गेट को हम चेक करेंगे कि वो कितना वोल्टेज बन रहा है, हाउ मच वोल्टेज आर प्रिपेयर एट दैट स्टेज। सो गेट पे आप देखिए 24 वोल्ट, यानी कि एसी ड्राइव जो है वो मेरा काम कर रहा है, ये एन चैनल की मॉस्फेट यूज हुई है, एसी ड्राइव काम कर रहा है। अब सवाल रहता है कि इसकी एसी डिटेक्ट कितनी है, यानी कि पिन नंबर 6 के पास कितनी वोल्टेज है। अब इसकी डेटा शीट के अनुसार इसे 2.6 से ज्यादा होनी चाहिए, तो पिन नंबर 6 को हम चेक करेंगे, पिन नंबर 6 के पास कितनी है। 1 2 3 4 5 6 मीन्स दिस इज द 6 एंड यू कैन सी 2.7 वोल्ट, पिन नंबर 6 2.7 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीमेटिक्स यू कैन सी द चार्जिंग आईसीज रिक्वायरमेंट इज एसी ओके और एसी एडाप्टर डिटेक्ट, हियर इज द नेम इज एडाप्टर डिटेक्ट। सो पिन नंबर 5 शुड नीडेड हाई वोल्टेज, हाई लॉजिक पिन नंबर 5। सो अकॉर्डिंग टू दिस पिन नंबर 5, सो पिन नंबर 5 में भी आपकी 3.3 वोल्ट ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि मेरी जो एसी इन एंड एसी ओके की टेक्नोलॉजी थी वो तो काम कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि ये एडाप्टर डिटेक्ट आपकी जाकर आईओ के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी कंफर्म कर लेंगे। और ये पिन नंबर 49 के पास में जाकर पहुंच रहा है, जैसे आप देखिए पिन नंबर 49 के पास में यहां पर पहुंच रहा है, पिन नंबर 49 के पास में एडाप्टर डिटेक्ट एक रजिस्टर के हेल्प से आगे पहुंच रहा है। सो पिन नंबर 49 के पास हम चेक कर लेते हैं कि हमारा एसी इन मिल रहा है कि नहीं। 33 34 35 36 37 38 39
40 कितना है, 49 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. सो ओके, कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर नहीं, कितना नंबर है पिन, पिन 49 नंबर 49 49 ना। सो शायद ये नहीं, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. थर्टी थ्री, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. बंद हो गया क्या? नंबर 49 इसका हेल्प लेते हैं। एडोप्टर डिटेक्ट कितने नंबर पे लगा है? R796, R796। ऐसे मेरे को पिन काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। R796 लेते हैं, R796 ये लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि है कहाँ पर ये। आयो के ऊपर आयो के ऊपर यानी कि इस रजिस्टर के पास चेक करते हैं। एक बड़ा सा कॉइल दिख रहा है इस रजिस्टर के पास में, मतलब ये वाला, करेक्ट ये वाला। कनेक्ट, जरा धीरे रुको, मेरे को देखने दो कनेक्ट कहाँ है। यहां पर आपकी जो है आ रही है एडाप्टर डिटेक्ट जो है आपका, वो आयो के पास में भी पहुंच रहा है, इस पिन नंबर 49 के पास में पहुंच रहा है, इस रजिस्टर के पास में है। और यहां से यहाँ ट्रैक पड़ी हुई है। यहां पर मेरा थोड़ा नॉज इतना अच्छा नहीं है, जो पॉइंटिंग टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सो वन सेकेंड, मैं इसको ट्राई करता हूँ दोबारा। इसको थोड़ा साफ करता हूं पहले। कहां पे दिखा रहा है? इसका सीधे पे नहीं, इसके सेकंड पे दिखाएगा, ये वाला ही होगा। हाँ पावर दे तो जरा। हाँ ये वाला ही है। यहाँ पे जब आता है तो नहीं, एक मिनट रुको। सो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूं मैं,
कि जैसे मैंने सर्च किया एडाप्टर डिटेक्ट, एडाप्टर डिटेक्ट यहां पर देखिए ये रजिस्टर स्टार हैच है, मतलब ये आईओ के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए मेरे को वहां पर वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है। सेम यही एडाप्टर डिटेक्ट आपकी, सेम यही एडाप्टर डिटेक्ट आपकी किसी और वोल्टेज में ट्रांसफर हो रही है। देखिए यहां पर एडाप्टर डिटेक्ट R798 के हेल्प से एडाप्टर प्रेजेंट बन रही है, एडाप्टर प्रेजेंट आर, एंड यही एडाप्टर प्रेजेंट आर आपकी सीधे आकर लगती है पिन नंबर 74 पर। जो चेक करेंगे हम पिन नंबर 74 पर वहां पे वोल्टेजेस है या नहीं है। सो लेट्स कम टू पिन नंबर 74। गणेश पिन नंबर 74 की तरफ आओ, इधर आओ। सो ये 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 यहाँ पर देखिए पिन नंबर 74 जैसे मैंने काउंट कर रहा हूँ, ये पिन नंबर 74, क्योंकि इस तरफ का पॉइंट वन है, इस तरफ का पॉइंट वन है, 32 64 और ये 74, और वोल्टेज देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट आपकी प्रेजेंट है। यानी कि जो एडाप्टर डिटेक्ट मैं वहां पर देख रहा था, एक्चुअली वो वहां पर एडाप्टर डिटेक्ट एक कनेक्शन ही नहीं है उसकी, और 74 जो है उसकी एडाप्टर डिटेक्ट की पिन है, यानी कि एसी इन की पिन जो है 74 है। सो हमारी एनबीएस टू डीएनबीएस में हम एलआईडी स्विच को चेक करेंगे। एलआईडी स्विच, एलआईडी स्विच वही हमारी 64 पे है जो आसानी से मिल जाएगी, 32 64। ये देख लीजिए एलआईडी 64 पिन पर, यहाँ पर देखो 64 पिन, दिस इज द 64 पिन नंबर, लास्ट ऑफ 64, दिस इज वन, लास्ट इज 32 एंड लास्ट इज 64। सो पिन नंबर 64 हैव द वोल्टेजेस। सो हमारी एलआईडी है, और हमारी जैसे कि मैंने बताया कि हमारी एसी इन भी है, सप्लाई आईओ के पास में भी मौजूद है, और चाहे तो हम चेक कर सकते हैं सप्लाई के लिए, हम इसको चेक कर सकते हैं। सो हमारी सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज पे देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक नई नई स्ट्रक्चर निकल कर आई हुई है, यहाँ पर देखिए आपको सप्लाई ये भी चाहिए, VHIF, VSPI भी चाहिए, 3VCC भी चाहिए, 3VECC भी चाहिए, 3VRTC भी चाहिए। सो ये सारी चीजें जो है ना बिफोर पावर बटन चाहिए, यानी कि पिन नंबर 78 सॉरी 68, पहले चेक करता हूँ पिन नंबर 68, दिस इज वन पिन नंबर, वन दिस इज पिन नंबर वन, एंड 64 दिस इज 65 66 67 68। सो यू कैन सी 68 हैव द वोल्टेज 3.0, बी वैट इज अवेलेबल। सो लेट्स चेक पिन नंबर 40, पिन नंबर 40 हम चेक करेंगे। गणेश पकड़ो जरा पिन नंबर 40। सो पिन नंबर 40 बोले तो ये 32 33 34 35 36 37 38 39 40। सो पिन नंबर 40 ऑल्सो हैव द सप्लाई, पिन नंबर 40 में हमारी सप्लाई भी है, जो हमारी ABCC 3VECC एनालॉग सप्लाई वो मौजूद है। सो पिन नंबर 14 या 37 वी कैन मेजर, पिन नंबर 37 विल गुड फॉर अस। पिन नंबर 37 ही चेक कर लेते हैं, 32 33 34 35 36 37। यहाँ पर देखो पिन नंबर 37 पर भी हमारी 3VCC भी मौजूद है, पिन नंबर 37 पर 3VCC भी मौजूद है, ठीक है। अब हमारी पिन नंबर 58 VSPI ये भी प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपके लिए सस्पेंस है, इसकी जाननी जरूरी है, क्योंकि आपको थोड़ा स्कीमेटिक्स को सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर हमारा ये सब कुछ रेडी है और हमारी आयो की और क्या रिक्वायरमेंट है जो हमारी एनबीएस टू डीएनबीएस को कन्वर्ट करने के लिए। अब ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर है ये एनपीसी की, एनपीसी 58H, एनपीसी की 58H आयो लगी हुई है। इस आयो की और कौन सी रिक्वायरमेंट है, जिस रिक्वायरमेंट से हमें ये पता चलेगा कि हमारी एनबीएस टू डीएनबीएस की स्ट्रक्चर फुलफिल हो रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार आरटीसी रीसेट को भी चेक करके आपको दिखा देता हूं। सो आरटीसी रीसेट के लिए हमें एक बार यहां से हेल्प लेंगे, आरटीसी रीसेट बहुत आसान है, आरटीसी आरएसटी
यहां आ गया आरटीसी रीसेट को, हम चेक कर लेते हैं जो हमारे को इंडिकेट कर रहा है यहां पर आरटीसी रीसेट, यहां इंडिकेट कर रहा है R10, यानी कि बोर्ड की स्ट्रक्चर अगर इस तरीके का रखें सेम इसी तरीके का, तो हमारे को आरटीसी जो है ना अकॉर्डिंग टू द रूल्स आरटीसी शुड चेक ओनली इन सीमॉस सेल। सो आरटीसी जो हमारे यहां पर नजर आ रही है इस पिन पे, यहां पर देखिए ये है R4 पे आरटीसी। सो यहां पे एक दो, यहां पर देखिए आरटीसी जो है, आरटीसी रीसेट जो है आपकी 2.9 वोल्ट, माने आपकी सीमॉस सेल के हेल्प से आरटीसी रीसेट जो है ना 2.9 वोल्ट है। तो उसी तरीके का मैं आपको क्रिस्टल भी दिखा देता हूं डीएसओ से। सो क्रिस्टल के लिए मेरे को पहले सेटिंग करनी पड़ेगी एसी मोड पे, और एसी मोड पे जैसे मैंने लिया और क्रिस्टल्स को भी चेक करेंगे कि हमारी 32.7 क्रिस्टल जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है सीमॉस सेल पे। सो थोड़ा उसको ये लो, ऑटो मोड लो। और मेजर बटन प्रेस करो, मेजर बटन। हाँ बार 10x पे लेता हूं ताकि एक्यूरेसी आए। आ गया, छोड़ दो, 10x पे लिया तो आ गया 32.7। यहां पर देखिए ये आपका क्रिस्टल है करीब में, इसकी रजिस्टर है, ये दोनों इन एंड आउट दोनों चेक करता हूं। ये थोड़ा छोटा सा वेव फॉर्म है, लो एम्पलीट्यूड या हाई एम्पलीट्यूड है, यानी हमारी क्रिस्टल भी सही है, आरटीसी रीसेट सही है, पावर बटन इन हो रही है, स्विचिंग हो रही है, एसी इन सही है, एसी ओके सही है, बस हमारी जो पावर बटन आउट है वो नहीं है। और पावर बटन आउट के साथ में हम एक और चीज की जानकारी चेक करेंगे, आरएसएम आरएसटी रिज्यूमेंट रीसेट, ये भी चेक कर लेना हमारे लिए जरूरी है। सो इसकी चेक के लिए हमें यहां पर चेक करना पड़ेगी RSM RST D23, अगर इस बोर्ड को इस तरीके का रखते हैं तो RSM RST हमारे यहां पर D23 बनेगी, यानी कि बोर्ड को उल्टा देते हैं और पावर लगाते हैं, और पावर लगाया हमने और D23 यहां पे तो अवेलेबल नहीं होगा, फिर भी यहां पे चेक करते हैं क्योंकि D23 आपके अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक प्रेजेंट नहीं है। D23 अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक अगर आप देखेंगे RSM RST अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक्स, तो यहाँ पे हमारा जो D23 है, देखिए D23 जो RSM RST के लिए वो स्टार लगा हुआ है, यानी कि आपकी अवेलेबल नहीं है। सो हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं इसकी पिन नंबर 2 के पास में RSM RST हमारा जनरेट होता है या नहीं होता है, सिर्फ ये हम सैंपल चेक कर सकते हैं। सो ये D23 की पिन नंबर 1 पे हम चेक कर रहे हैं, स्विचिंग लगाया हूं कोई वोल्टेज नहीं, पिन नंबर 2 के पास भी कोई वोल्टेज नहीं, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर 0.0006 है, ठीक है। सो इसमें और हमारी कौन सी ऐसी कंसेप्ट है, ऐसी कौन सी कंसेप्ट है जो हमारी स्काई लेक, केबी लेक और कॉफी लेक के लिए, जो पावर ऑन सीक्वेंस को NVS टू DNVS कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सीक्रेट जानने के लिए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, ये कॉफी लेक एंड स्काई लेक एंड इस सारी चीज की जो सीक्रेट्स होती है, प्रैक्टिकल सीक्रेट्स जो आपको स्कीमेटिक्स पे मिलेगी ही नहीं, आप स्कीमेटिक्स पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी नहीं, और स्कीमेटिक्स कहीं आपको डिफाइन करेगी नहीं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी जरूरत है। सो इसके रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस रिगार्डिंग स्काई लेक, कॉफी लेक एंड केबी लेक concept of the power and technology and power and sequence, which voltage will generate before power button, which voltage is mandatory, which signal are mandatory to regenerate or generate to power button out,
So then your only can SLP S3 will come out from the CPU sections or PCS sections. So इसमें आप लोगों को अगर जानना है कि कौन सी स्टेप्स जो है हमें जरूरत है, कौन सी वोल्टेज, कौन सी सिग्नल्स की जरूरत है, डीडू ये एक डेमो वीडियोस थी, इसलिए मैंने इसको हाफाजाइटली ही टेस्ट किया हुआ है। इस डेमो वीडियोस में मैं आपको एक चीज की जानकारी दे देता हूं, इसको बड़ी आसानी से मैं सॉल्व कर सकता हूं। एक आयो के पास में एक वोल्टेज की मैं इनपुट दूंगा तो ये मेरी बोर्ड ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये डेमो के लिए है। सो गणेश प्लीज कैप द कैमरा। नो नो नो, जस्ट कीप इट। और ये मैं पावर बटन दिया, लगाया और मैं ये स्विचिंग करूंगा। रुको एक सेकंड, शायद कनेक्टिविटी नहीं बन रही है। नहीं, शायद कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। रुको, मैं ट्यूजर से पकड़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। पावर दो एक सेकंड, मुझे एक पिन को चेक करनी पड़ेगी। आ गई है, नहीं आई नहीं है, पिन नंबर 3 नहीं आई नहीं है। मेरे को एक और सप्लाई यहाँ से दे देता हूँ। Yes, you can see now it's powered on. You can see light is glowing here. You can see now it's glowing here. एम्पियर्स कंजप्शन हो रही है। सो यह डेमो में मैंने इसकी जो सोल्यूशन किया है वो मैंने नहीं दिखाया। एनीवे सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस एरर। एक्चुअली इसको फुल वीडियोस में मैं इसकी पूरी कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। एक्चुअली अभी मतलब इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि और कौन सी ऐसी स्टेप्स है जो मतलब इस आयो के लिए मैंडेटरी है और इस स्ट्रक्चर के लिए मैंडेटरी है। और ये क्वांटा X63 की मदरबोर्ड है, क्वांटा X63C की, जिसकी नॉर्मली स्कीमाटिक एंड बोर्ड व्यू दोनों अवेलेबल है। आप चाहे तो बोर्ड व्यू स्कीमाटिक डाउनलोड करके ट्रेसिंग करें एंड और मेरे को अपडेट करें कि अगर आप इंटरेस्ट हैं, अगर मेरे को अपडेट करें कि स्काईलेक कॉफी लेक के लिए या 6th and 7th जनरेशन के लिए और कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आई हुई है या नया टेक्नोलॉजी है जिसको हम चेक करना मैंडेटरी है। हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर में जितनी चाहिए थी वो तो सारी मैंने चेक कर ली है। उसमें से एक रिसेट था, ईसी रिसेट। ईसी रिसेट जो है ना, इस आयो की किसी भी पिन पे मेरे को नजर नहीं आ रही है कि ईसी रिसेट कहां से बन रही है। सो इसकी कंसेप्ट को समझने के लिए ईसी रिसेट की बदले क्या आपकी और क्या कौन सी कंसेप्ट आई हुई है इंस्टेड ऑफ ईसी रिसेट, व्हिच कंसेप्ट आर इंक्लूडिंग इन दिस स्ट्रक्चर्स, लेट्स कम एंड जॉइन विथ मी इन ऑनलाइन क्लास। सो अगर किसी को जानकारी चाहिए तो मेरे से पिंग करें पर्सनली वीडियोस के लिए। अगर इस तरीके की जानकारी चाहिए तो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े। थैंक यू।
चलिए मैं आपको इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दे। इस सी इस आईडी भी आयो है, उनमें आपकी चार पे आएगी प्रेजेंट आउट और बटन लग गया 3.3 प्रेजेंट आपकी जो ये माइनस। ओके थैंक यू गाइस, होप यू ऑल विल